भारत 24 पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। धन्यवाद। इस उम्र में जिस तरीके से हम आपको देख रहे हैं, लगातार आप जनता दरबार लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? वैसे कहा जाता है कि राजनीति, नीतियों का निर्धारण करना राजनीति कहा जाता है, वास्तविकता जो यहाँ पर देखा वो बाकी। इस उम्र के हिसाब से जिस तरीके से यहाँ जो जनता है, लगातार आप सुबह से लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं, अपने आप में एक प्रेरणा देती है राजनीति के लिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में 100 वर्ष की आयु है, मेरी तो 71 साल की आयु है। अभी किसी प्रकार का कोई मुझे थकावट रुकावट कभी नहीं होती। हमारे यहाँ शुरू से ही मेरी ऐसी प्रवृत्ति रही है, चूँकि मेरे परिवार में मेरे पिताजी पंचायत के रूप में, सरपंच के रूप में जाने जाते थे हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, इसलिए तभी से मुझे ये आदत है जनता के बीच में बैठने की। मैं कभी जनता से अकेले में उस तरह से नहीं मिलता हूँ, मुझे एनर्जी मिलती है जनता से ही, एनर्जी मिलती है। मैं रात को आज 1 बजे आया था, 2 बजे सोया, फिर 5 बजे से यहाँ लोगों ने कहना शुरू कर दिया भैया हम बाहर बैठे हैं। यही रूटीन मेरा चलता रहता है और मैं कोशिश करता हूँ हर संभव एक 18-19 घंटे 20 घंटे जितना भी काम, रात को 2-2 बजे भी बैठे रहते हैं हम, जब जनता आ जाती है। अगर बात करें जिस तरीके से आपने बताया कि आप 18-19 घंटे जनता के साथ रहते हैं, किसानों के साथ रहते हैं, अगर जिस तरीके से देखा जाए, योगी सरकार के 6 साल पूरे हो गए हैं, मोदी सरकार 9 साल हो गए, किस तरीके की अगर बात करें तो हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और आप गन्ना मंत्री हैं, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या तैयारियां की हैं आपने पिछले 6 साल में, और आने वाले समय में किसान किस तरफ होंगे? देखिए, मैं यदि ये बात करूँ, 6 साल पहले उत्तर प्रदेश के मात्र 18-19 लाख हेक्टेयर में गन्ने की बुवाई होती थी, आज 29 लाख हेक्टेयर में गन्ने की बुवाई हो गई। अभी कल मैं PTI की न्यूज़ पढ़ रहा था, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में, PTI की न्यूज़ में स्वयं महाराष्ट्र के गन्ना मंत्री ने इसको स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश हमसे गन्ने में आ गए हैं। हम आज भी पूरे देश में कहीं शुगर फैक्ट्री नहीं चल रही है, आज भी हमारी, मैंने आदेश किया है शुगर मिल 15 जून तक चलेंगी, जब तक एक गन्ना भी बाकी खड़ा रहेगा किसान के खेत में तब तक हम शुगर मिल चलाएंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि 18 हेक्टेयर से लेकर 29 हेक्टेयर, तो आज देश में जिस तरीके से मोदी जी की जो नीतियां हैं, तो कहीं ना कहीं ये मामला सामने आ रहा था कि चीनी अब हम मतलब निर्यात करने लगे हैं दूसरे देशों को, तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जहाँ चीनी हम पहले बाहर से मंगाया करते थे, अब हम अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको परमिशन दी, 60 लाख टन चीनी निर्यात कर रहे हैं। कोविड काल में भी हमने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सैनिटाइजर यहाँ से बना के भेजे थे, पूरे समस्त प्रदेशों में हमने भेजे थे। आज इथेनॉल भी हम सबसे ज़्यादा पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की हमारी शुगर मिल इथेनॉल बना रही है। इसलिए हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है, और योगी जी का जो सफल नेतृत्व है, कोविड में जहाँ साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक बंद था पूरी दुनिया का, वहाँ कोविड में भी उत्तर प्रदेश की शुगर फैक्ट्रियाँ चली थी और एक भी गन्ना शेष नहीं रहा क्रश करने से। इसलिए गन्ने के संबंध में अभी भी हमने योगी जी के नेतृत्व में लगभग 2,12,000 करोड़ का पेमेंट हमने 6 साल में किया है, और इस वर्ष भी रिकॉर्ड पेमेंट हम करेंगे, लगभग 39,000 करोड़ का पेमेंट हम गन्ना किसानों को करेंगे, जिसमें आज भी हम लगभग 28,500 करोड़ का पेमेंट कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल और, कि जिस तरीके से अभी जो मेयर के चुनाव हुए थे, 17 की 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, क्या माना ये सेमीफाइनल है 2024 के लिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, हर पार्टी ने ही ये कहा था कि ये सेमीफाइनल है, और जो सेमीफाइनल में पास होगा वही तो फाइनल में जाएगा। ये जनता ने साबित कर दिया है, जो बुद्धिजीवी जनता है, ये माना जाता है कि नगर निकाय में जो भी भाग लेते हैं वो बुद्धिजीवी लोग हैं ज़्यादातर, तो नगर निकाय के चुनावों में बुद्धिजीवी जनता ने ये साबित कर दिया है,
एक आदरणीय योगी जी जैसी कानून व्यवस्था और विकास की गति पूरे देश में कहीं नहीं है, और आदरणीय मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए और पुनः उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ गन्ना विकास मंत्री। इनका साफ तौर पर कहना था कि आज भारत वो देश बन गया है जो चीनी को निर्यात कर रहा है। वहीं पर उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, हम हर जगह प्रगति कर रहे हैं और जनता कहीं ना कहीं विकास पर वोट कर रही है। तो निश्चित तौर पर उनका जो उत्साह है वो साफ तौर पर झलक भी रहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सेमीफाइनल है, अब हम फाइनल में जा रहे हैं क्योंकि हम सेमीफाइनल जीत चुके हैं। सहयोगी देवाशीष के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24।